मेजर, ये फोन तकरीबन 10 मिनट से स्विच ऑफ है, मगर इसकी बैटरी अभी तक गर्म है। मतलब इसका कोई ना कोई सॉफ्टवेयर एक्टिवेटेड है। इस फोन इज हैक्ड। मेजर फोन दीजिए जरा, अपना नंबर बताइए। 8939220874। देखिए, आपको मैंने कॉल किया है, अब ठीक 3 गिनते ही आपका फोन डिस्कनेक्ट होगा। 1 2 3, यानी आपका सिम कार्ड भी हैक्ड है। ये हैकर आपके कॉल सुन सकता है और आपका डेटा भी पढ़ सकता है। इस हैकर को ट्रेस करने का कोई तरीका है? असली हैकर वही है जिसे ट्रेस ना कर सको। आज हर इंसान स्मार्टफोन रखता है, हम ऐप इंस्टॉल करते हैं और परमिशंस पे अलाउ 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 कर देते हैं, और उन्हीं ऐप्स की मदद से हैकर्स हमारे फोन पर कब्जा कर लेते हैं। मेजर, आपको जरूर कोई एम्प्टी मैसेज आया होगा, मुमकिन आपको याद भी ना हो। जैसे आपने इसे ओपन किया होगा, फोन की सारी इन्फॉर्मेशन, SMS, फोटोग्राफ, मेल, कैमरा, रिकॉर्डेड वॉइस, सब कुछ हैक हो गया होगा। क्या इन्हें रोकने का कोई ऑप्शन नहीं है? सिर्फ एक तरीका है, स्मार्टफोन यूज करना ही छोड़ दीजिए, वो आपका GPS ट्रैक करेगा। अपने पापा का बेसिक फोन यूज कीजिए, उसमें कोई ऐप नहीं होगा, ना हैक कर पाएगा ना आपको ट्रैक कर पाएगा। सेल्वी का फोन हैक किया वो तो समझ में आता है, उसे पता कैसे चला कि सेल्वी मेरी बहन है? ये थोड़ा अजीब नहीं है? सब कुछ तो तुमने खुद ही उसे बता दिया। मैंने उसे बताया? अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दुनिया के साथ शेयर कर रहे हो, ये देखो 1 महीने में 30 फोटो अपलोड किए, विद माय सिस, विद माय डैडी, पूरी फैमिली एल्बम इंटरनेट पे अपलोड कर दी। एक बात बताऊं भांजे, पिछले महीने अपने शहर की एक लड़की किडनैप हुई, ये क्यों और कैसे हुआ? बच्चे की मॉर्निंग उबासी, उसकी माँ उसकी सेल्फी लेती है, नहलाते समय, स्कूल छोड़ते समय, लाते समय, एग्जैक्ट टाइम के साथ, कौन सी आइसक्रीम पसंद है उसकी भी सेल्फी अपलोड करती है। किडनैपर ने प्रोफाइल चेक किया, उसे पता था 12 बजे आइसक्रीम का टाइम है, बच्ची को उसका फेवरेट आइसक्रीम देके उसे उड़ा के ले गया। अपनी सीक्रेट्स लोग खुद ही बताते हैं और फिर शिकायत करते हैं। तुम्हारे बैंक के मैसेज मैंने ही ब्लॉक किए थे। कैसे ब्लॉक किए थे? वो डार्कनेट है ना, उसके जरिए किए थे। डार्कनेट? हाँ। वो क्या होता है? हम लोग डायरेक्ट इंटरनेट से कोई भी काम नहीं कर सकते, डार्कनेट की मदद से कर सकते हैं। ये सब टॉर नाम के ब्राउजर से ऑपरेट होता है, अनियन रिंग, प्याज के छिलके माफिक, छिलके के नीचे और ज्यादा छिलके। आप कितना भी ट्रैक करने की कोशिश करो, आप ट्रेस नहीं कर पाओगे। सारे इलीगल काम डार्कनेट से ही होते हैं, ब्लैक मार्केटिंग, वेपन डीलिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, टेररिज्म, ड्रग्स, फिल्म पायरेसी, सब डार्कनेट के थ्रू होते हैं। इसका मास्टरमाइंड कौन है? मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है सर, यूजर आईडी से फोन नंबर मिलता है, पहले उसे हैक करते हैं, फोन की पूरी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, आपकी सारी बातें, SMS, बैंक ट्रांजैक्शन का OTP, सब पता चल जाता है। हमें मेल से एक डेट मिलती है, उसी डेट पर आपके बैंक से आए SMS को हम ब्लॉक कर देते हैं सर। ठीक उसी टाइम पे हम लोग पैसा चोरी कर लेते हैं, आपके सभी फोन कॉल्स, पर्सनल वीडियोस, पर्सनल फोटोज सब फॉरवर्ड कर देते हैं। इस काम के बदले हमें बहुत पैसा मिलता है। हाल ही में हमने एक लकी ड्रॉ स्टार्ट किया है, ये हमारी नई स्कीम है। कस्टमर्स से उनके डिटेल्स लेते हैं और फिर जेरोक्स वाले से वही पेपर्स की कई कॉपीज बनवाते हैं, इस तरह से उनका बहुत फायदा होता है, आपका भी काम बन सकता है। इसके लिए आपको शॉप के ओनर से मिलना होगा। भाई साहब, आजकल जेरोक्स कोई नहीं करवाता, आजकल लोग अपने स्मार्टफोन पे ही स्नैपशॉट्स ले लेते हैं सर, 1 रुपया कॉपी का रेट है, बिजली के पैसे भी नहीं निकलते। मैं बताता हूँ सर, पैसा एक तरीके से बनता है, इन्फॉर्मेशन बिजनेस से। हम डॉक्यूमेंट्स के डिटेल्स भेज देते हैं, लक्की ड्रॉ के बम्पर प्राइस के लालच में हजारों लोग अपने फोन नंबर और ईमेल आईडी शेयर करते हैं, हम लोग इसके जेरोक्स निकाल लेते हैं और हर एक डेटा का हमें 1 रुपया मिल जाता है। 50,000 डेटा इक्वल्स टू 50,000 रुपए। हमारे क्लाइंट्स हमसे आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और सर्टिफिकेट्स की कॉपी खरीदते हैं, जो हमने एक्स्ट्रा निकाल के रखी होती हैं, उसके रेट अलग हैं सर। एक बात और, फ्लाइट से उतर के हम नॉर्मली बोर्डिंग पासेस फेंक देते हैं, उन पर एक QR कोड प्रिंटेड होता है, उस कोड को स्कैन करेंगे तो उसमें पैसेंजर के पासपोर्ट डिटेल्स, कॉन्टेक्ट नंबर और टिकट खरीदने के लिए जो कार्ड इस्तेमाल हुआ है उसके बैंक डिटेल्स, मतलब पूरी जन्म कुंडली खुलती है। डिटेल्स बेचने पे खूब अच्छे दाम मिलते हैं। कौन सा पंडित इन जन्म कुंडलियों को पढ़ता है? कुछ खास एजेंट्स हैं, उनका कॉल सेंटर वालों से कांटेक्ट होता है, कॉल सेंटर वाले बहुत मस्त पैसा देते हैं। आपको कॉल सेंटर या फाइनेंस कंपनी से फोन आता होगा, कार लोन लेना है क्या, होम लोन लेना है क्या, अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, ऑफर्स, फॉरेन ट्रिप्स, थाई मसाज, सुबह शाम मैसेज ही मैसेज। इन कॉल सेंटर वालों के पास हमारे नंबर कहां से आते हैं? ये सारा इन्फॉर्मेशन उन्हें कौन पहुंचाता है? कंपनीज को नए कस्टमर्स चाहिए होते हैं और फ्रॉड को नए शिकार की तलाश रहती है, ये सब इन्फॉर्मेशन कॉल सेंटर से खरीदे जाते हैं। इसीलिए दिन रात कॉल सेंटर से फोन आता है, क्रेडिट कार्ड ले लो, लोन ले लो। सही कहा।